नमस्कार दोस्तों, आपको स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं धात के बारे में, जो महिला या पुरुष किसी को भी यह बीमारी होता है। यह बीमारी का लक्षण है पेशाब के समय में पेशाब के रास्ते से गढ़ा जैसा मार जैसा गढ़ा गिरना, उसी को धात बोला जाता है। यह बीमारी बहुत ही खतरनाक है। जिस भी व्यक्ति को यह बीमारी धरता है उसको बहुत ही कमजोरी आ जाती है शरीर में। तो दोस्तों, आज हम उसी का देसी इलाज बताने जा रहे हैं, जो कि बहुत आसान है। इसका इलाज आपको देखिए इस पेड़ से किया जाता है, इस पेड़ के पत्तों से। यह देखिए, आप शायद पहचान रहे होंगे, इसका नाम हर कोई व्यक्ति जानता है, हर जगह पाया जाता है। इसका नाम है शीशम का पेड़। ये देखिए, यह है शीशम का पेड़, इसी से धात का इलाज किया जाता है। ये देखिए, इसका कुछ मैं पत्ता तोड़ लिया हूँ, ये देखिए, इसी पत्ते से धात का इलाज किया जाता है। यह बहुत ही कारगर दवा है। इसको यूज कैसे करना है, आइए अब हम बताते हैं। सुबह सुबह खाली पेट मुंह धो करके इस पत्तों को, जो कोमल पत्ता होता है आगे का, इसको तोड़ लेना है। और तोड़ने के बाद उसमें थोड़ा मिश्री का दो चार दाने, आप पत्ता 10-15 ले सकते हैं, उसमें चार दाना मिश्री का ले लीजिए, जो कट मिश्री आता है या कोई भी मिश्री ले लीजिए, कट मिश्री अच्छा रहेगा। और उसको चबा करके निगल जाइए, यानी खा जाइए। यह प्रक्रिया आप महीना दिन कीजिए। कैसा भी धात हो वह ठीक हो जाएगा। वो तोड़ना कैसे है दोस्तों, आइए हम आपको बताते हैं। ये आगे का पत्ता है, इसको तोड़ना है, इसको तोड़ना है। थोड़ा अच्छा अच्छा फ्रेश पत्ता देख करके तोड़िए। देखिए फ्रेश पत्ता है, इसे इस सबको तोड़ना है, ठीक ना। तोड़ करके और इसका डेली यूज कीजिए, कम से कम महीना दिन आप इसको यूज कीजिए। इसके बाद देखिए क्या रिजल्ट देता है। ये हमारे यहाँ अक्सर यूज किया जाता है दोस्तों। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, आप डरिए मत, इसको बेझिझक इस्तेमाल कीजिए। और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। और इसी तरह के जड़ी बूटियों से संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।